बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, स्क्रीन पे एक सेकंड आर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रहा है। इसको हल करना है तो ऑपरेटर फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम कॉस क्यू एक्स को ज़ीरो करेंगे, तो हमारे पास डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन इंटू वाई इक्वल ज़ीरो आएगा, जो कि होमोजीनियस इक्वेशन होगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए इसी वाई को हम इग्नोर करेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसको हल करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो हमारे पास ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। दिस इज़ रियल पार्ट, दिस इज इमेजिन पार्ट। अब यहाँ से हम वाई से लिखेंगे, हेयर वी हैव टू रूट, सो वी हैव टू राइट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे ई पावर अल्फा एक्स एन टू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो यहाँ जो दो रूट्स थे, इसी को हम ई पावर माइनस वन और टू एक्स लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे ए कॉस थ्री अंडर रूट बाई टू एक्स प्लस बी साइन थ्री अंडर रूट बाई टू एक्स। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब वाई पी मालूम करने के लिए हम वन ओवर एफ आर डी लिखेंगे। यहाँ जो डी स्क्वेयर प्लस डी प्लस वन है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और कॉस टू एक्स साथ में लिखेंगे। नाउ रिप्लेस डी स्क्वेयर बाई माइनस टू स्क्वेयर, तो ये आ गया। यहाँ को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी तो ये आ गया। अब वो डी माइनस थ्री के साथ हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऊपर हम डी प्लस थ्री लगाएंगे और नीचे डी प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी माइनस थ्री डी प्लस थ्री बनेगा डी स्क्वायर माइनस नाइन। नाउ रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस टू स्क्वेयर, तो ये आ गया। अब इसी को सिम्प्लीफाई करना है, इसी से 13 आ गया और डी प्लस थ्री अपनी जगह पे। नाउ डी ऑफ कॉस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स बराबर है माइनस टू साइन टू एक्स प्लस थ्री टाइम्स कॉस टू एक्स आ गया। तो ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब वो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम वाई इक्वल वाई सी प्लस वाई पी लेते हैं, तो वाई सी की वैल्यू ऊपर यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये आ गया। और वाई पी की वैल्यू यही है, तो ये आ गया। दिस इज़ दी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है और इससे हम अगले इक्वेशन ये लिखते हैं और मज़ीद इसको हम इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे रियल पार्ट ज़ीरो है और इमेजिन पार्ट प्लस माइनस आयोटा टू है, तो वाई सी बराबर होगा ई पावर ज़ीरो एक्स। यहाँ पे रियल पार्ट ज़ीरो है, अल्फा ज़ीरो है, तो ई पावर ज़ीरो एक्स और ब्रैकेट के अंदर ए काज टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स लिखेंगे। यहाँ जो टू है ये यही टू है, दिस इज वैल्यू ऑफ बीटा। वाई पी बराबर होगा वन ओवर डी स्क्वेयर प्लस फोर कॉस टू एक्स। ये जो डी स्क्वेयर प्लस फोर है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। नाउ रिप्लेस डी स्क्वेयर बाई माइनस टू स्क्वेयर, तो जब हमने माइनस टू स्क्वेयर रिप्लेस किया, ज़ीरो आ गया, एक फेलोअर केस आ गया। लिहाजा यहाँ पे कॉस टू एक्स के साथ हम एक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डी स्क्वेयर प्लस फोर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये टू डी आ गया। सेंस हेयर वी हैव फेलोर के मल्टीप्लाइंग कॉस कोसाइन फंक्शन बाय एक्स एंड डिफरेंशिएटिंग डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे एक्स डिवाइड बाय टू ये आ गया वन ओवर डी कॉस टू एक्स। ये वन ओवर डी ये इनवर्स ऑपरेटर है विच रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन। वन ओवर डी एक इनवर्स ऑपरेटर है और ये इंटीग्रेशन को जाहिर करता है, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस टू एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पे दिस इज़ दी पार्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज़ दी पार्टिकुलर इंटीग्रल वाई इक्वल वाई सी प्लस वाई पी। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था और वाई पी की वैल्यू अभी हमने मालूम किया। सो दिस इज़ दी कम्प्लीट जनरल सोल्यूशन ऑफ दी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो इसी इक्वेशन से हम अगली इक्वेशन इस तरह लिखते हैं। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं और यहाँ से हम डी की वैल्यू मालूम करते हैं। इफ दिस इज़ ज़ीरो देन डी इज़ इक्वल माइनस वन, इफ दिस ब्रैकेट इफ दिस फैक्टर इज़ इक्वल ज़ीरो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम वैल्यू ये मालूम करते हैं। अब हमारे पास थ्री रूट्स आ गए, हेयर वी हैव थ्री रूट्स, वन रूट और यहाँ पे
दो रूट है। अब इन तीनों रूट को हमने यहाँ पे वाई सी में यूज़ करना है। वाई सी इज इक्वल सी वन ई पावर माइनस वन एक्स, ये माइनस वन यहाँ पे आएगा, सी वन ई पावर माइनस वन एक्स प्लस, अब यहाँ पे अल्फा एक बार दो है तो ई पावर वन ओवर टू इंटू एक्स आएगा, ब्रैकेट के अंदर ए कॉस और थ्री अंडर रूट बाई टू एक्स आएगा, प्लस बी साइन थ्री अंडर रूट बाई टू एक्स आएगा। दिस इज दी कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसी इक्वेशन से हम वाई पी लिखते हैं। वाई पी वन ओवर एफ आप डी कॉस टू एक्स डी क्यूब, डी क्यूब को हम लिखते हैं डी स्क्वायर इंटू डी। अब वी रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस टू स्क्वेयर, तो माइनस टू स्क्वेयर मीन्स माइनस फोर, और इसके साथ में डी आएगा माइनस फोर डी प्लस वन, जिसको हम लिखते हैं वन माइनस फोर डी। अब वन माइनस फोर डी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन प्लस फोर डी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ऊपर वन प्लस फोर डी आ गया और नीचे वन माइनस फोर डी इंटू वन प्लस फोर डी, तो हमारे पास ये आ गया। नाउ रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस टू स्क्वेयर, तो ये माइनस टू स्क्वेयर से हमने रिप्लेस किया है डी स्क्वेयर को, तो उस मल्टीप्लिकेशन से ये आ गया। अब यहाँ वन है, वन इंटू कोसाइन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है तो वन इंटू कोसाइन इज इक्वल टू कोसाइन और फोर इंटू फोर डी इंटू कोसाइन, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन इज इक्वल टू माइनस साइन, और टू एक्स सी टू आता है वही टू और यही फोर माइनस एट बनेगा। दिस इज वाई पी, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, पुट इन द वैल्यू वाई सी हमने मालूम किया है यही है, दिस इज़ वाई सी और वाई पी की वैल्यू अभी अभी हमने इसी को मालूम किया है, तो दिस इज़ द कम्प्लीट सल्यूशन। अब क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, फिर डी स्क्वायर प्लस फोर इक्वल जीरो लेते हैं, अब जीरो लिखिए इसको हम हल करते ये आ गया, वाई सी हम लिखते हैं ए कॉस टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स, दिस इज वैल्यू बीटा, दिस टू एक्स वैल्यू बीटा, अल्फा इज इक्वल जीरो। अब इसी इक्वेशन से हमने वाई पी लिखना है, तो ये वाई पी आ गया, यहाँ पे टू फंक्शन है तो हर एक नीचे हमने इसे एफ ऑफ डी को लिखा। अब यहाँ पे डी को हम थ्री से रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया, और यहाँ पे डी स्क्वायर को हम माइनस टू स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ गया, और यहाँ पे हमारे पास चूँकि ज़ीरो आ रहा है, वी हैव पेलोअर केस, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है लिहाजा इसी फंक्शन के साथ हम एक्स लगाएंगे और डी स्क्वायर प्लस फोर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू डी आता है। अब यहाँ पे एक्स ओवर टू यहाँ पे है और वन ओवर डी और साइन है, वन ओवर डी का मतलब इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इक्वल माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू, तो इस यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन यही मिला, दिस इज वाई पी, तो वाई इक्वल वाई सी प्लस वाई पी, ये वाई सी है और ये वाला वाई पी है, जो दिस इज द कम्प्लीट सोल्यूशन। और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही है, जब इसको हम हल करते हैं तो रिपीटेड रूट्स हमें मिलते हैं, और ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सी वन प्लस सी टू एक्स ई पावर माइनस वन एक्स, और वाई पी बराबर है वन ओवर एफ ऑफ डी कॉस एक्स, ये एफ ऑफ डी हमने यहाँ पे लिखा। नाउ रिप्लेस डी स्क्वेयर बाई माइनस वन स्क्वेयर, यहाँ पे वन एक्स है, रिप्लेस डी स्क्वेयर बाई माइनस वन स्क्वेयर, तो हमारे पास जीरो आता है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस कोसाइन इज रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा एक्स, यहाँ पे कोसाइन क्या है, ई पावर आयोटा एक्स का रियल पार्ट है, ये इनवर्स ऑपरेटर अपनी जगह पे, कोसाइन की जगह हमने लिखा रियल पार्ट ऑफ ई पावर आयोटा एक्स, रियल पार्ट यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे डी स्क्वेयर रिप्लेस डी बाई आयोटा, तो हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया तो ये आ गया, अब वन और टू आयोटा पे, और यहाँ जो यूलर है इसी यूलर को हमने लिखा, अब वन और टू आयोटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे आयोटा है तो ऊपर आयोटा लेते हैं और नीचे आयोटा, तो आई आई इंटू आई जी को आई स्क्वेयर, अब आयोटा स्क्वेयर जी को माइनस, उसी माइनस को हम यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट है और बाहर ये है, तो रियल पार्ट हियर भी है, वो रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इसी एक्सप्रेशन से रियल पार्ट जब हम लिखते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिखते हैं, और जिसका रियल पार्ट क्या होगा, वन ओवर टू साइन एक्स इज द रियल पार्ट, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे जो वाई पी है इसको हम रियल पार्ट के मेथड से भी हल कर सकते हैं, या इसको हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं,
और यहाँ पे डी है तो डी को हम रिप्लेस करते हैं माइनस वन स्क्वेयर से, तो ये आ गया रिप्लेस डी स्क्वेयर बाई माइनस वन स्क्वेयर, तो ये आ गया वन ओवर टू अपनी जगह पे, और वन ओवर डी का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इक्वल साइन एक्स, तो ये आ गया यहाँ पे जो आंसर आ गया था लंबे मेथड से, यहाँ पे इन शॉर्ट हमें वही रिजल्ट मिला। तो वाई सी प्लस वाई पी कम्प्लीट सोल्यूशन है, वाई सी की वैल्यू हमने यही मालूम किया है और वाई पी की वैल्यू यही है, तो दिस इज़ दी जनरल सोल्यूशन। अब इनिशियल कंडीशन जब हम यूज़ करेंगे वाई इज़ ज़ीरो व्हेन एक्स इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे जब हम कंडीशन यूज़ करेंगे तो सी वन ज़ीरो आता है। अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज़ द डिफरेंशिएशन, और ये जो कंडीशन है इसी कंडीशन को इसी पे यूज़ करना है, तो ये आ गया। अब सी वन हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास सी टू माइनस वन ओवर टू आ गया। अब इसी माइनस वन ओवर टू को हम यहाँ पे लिखते हैं द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज, तो हमने जो कांस्टेंट मालूम किए, कांस्टेंट की यहाँ पे सी वन था यहाँ पे सी टू था, तो हमने वैल्यू लिखे हैं सी वन हमारे पास ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ गया, और सी टू हमारे पास क्या है, सी टू हमारे पास माइनस वन ओवर टू है, तो यहाँ पे माइनस वन ओवर टू लिखा एक्स ई पावर माइनस एक्स, और ये वाई पी की वैल्यू है। सो दिस इज़ दी पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये फार्मूले हमने यूज़ किए कि अगर इनवर्स ऑपरेटर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो डी स्क्वेयर को हम माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करते हैं, और अगर ये ज़ीरो आ रहा हो फिर हम साइन के साथ एक्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और एफ़ को हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद डी स्क्वेयर को हम माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करते हैं। अगर ये भी ज़ीरो आ रहा हो तो हम एक और एक्स लगाते हैं, और एफ डैश को हम अगेन एफ डबल डैश बनाते हैं, और डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास जो मेथड था हमने इसको